पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है। लेकिन बट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल नॉट इफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक HCN और CO2। बेटा याद रख लीजिएगा, डबल एंड ये मल्टीपल बॉन्डिंग में क्लियरली लिख देता हूँ, मल्टीपल बॉन्डिंग कैन इफेक्ट बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा कर सकती है, आगे बॉन्ड लेंथ वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बट कांट बॉन्ड एंगल। इन्होंने बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं करना, मल्टीपल बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं कर सकती। ये आगे प्रूफ भी दूंगा, अभी भी यहां पे आप लोगों को आइडिया दे सकता हूं कि हाइड्रोजन साइनाइड की अगर आप ज्योमेट्री देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इनके दरमियान एंगल अभी भी देखोगे तो 180 डिग्री होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो इसके दरमियान भी 180 डिग्री का एंगल है। तो मैंने आप लोगों से क्या बात तय की है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात तय की है कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आने से बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दोनों केसेस में आपको 180 डिग्री एंगल मिलेगा, ये मैं अभी आपको डिटेल में प्रूव भी करता हूँ। फिर एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो भी सुन लीजिएगा कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। सराउंडिंग एटम्स जो है वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर सकते हैं, और द बॉन्ड एंगल रिड्यूसेज विद डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एंड सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल को वेरी कर सकती है। आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, Na3 का रिड्यूस हो जाता है 102 तक, 107.5 डिग्री के, जो कि अमोनिया के अंदर है। ये आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करेगी। इसी तरह बॉन्ड एंगल कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम। तो देखो सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीजन है 104.5 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, और अगर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में ले आया सल्फर एटम तो ये 92 डिग्री हो गया एज कम्पेयर टू 104। तो साइज ऑफ एटम इफेक्ट करते, एक छोटा सा रिलेशनशिप बता देता हूँ आपको। आपने याद रख लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी बाद में आपको रीजन भी बताऊंगा जब मैं इसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप बता दिया, क्या याद करोगे इसको ज़हन में रख लीजिएगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी रिलेशनशिप बता देता हूं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम के बढ़ने पर भी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम के बढ़ने पर भी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशनशिप्स हैं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। अब इन 5 6 7 जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ एक टेबल मैंने प्रिपेयर किया, जिसमें काफी ज्यादा चीजें मैंने इकट्ठी कर दी हैं। नाउ एट द एंड आई विल डिस्कस दिस टेबल विद यू, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स AB2, AB3, AB4 टाइप्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, और साथ साथ आप लोगों को कुछ टेक्निकल पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। इस वक्त मुझे ये एग्जाम्पल्स पढ़ाते हुए बड़े जो है वो जोश और जज्बा मिल रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो है वो एक तो कैमरा है और आप लोग हैं, और कैमरे से थोड़ा सा पीछे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे हाफिज सिद्दीक साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इतनी प्यारी मुस्कुराहट और इतने फ्रेश होकर इतने प्यारे लग रहे हैं, आई कॉन्ट टेल यू। आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने बातें बतानी है उसमें एक तो टाइप आ जाएगी, फिर हम देखेंगे पेपर में सवाल आएगा इस टाइप में टोटल कितने पेयर्स हैं, इस एग्जांपल में टोटल कितने पेयर्स हैं, उसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसी है, मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री कैसी है, जो कि सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स की बेस पर बताई जाएगी, और उसके बाद बॉन्ड एंगल के ऊपर बात होगी, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात, साथ ही कर दूंगा डायपोल मोमेंट और एग्जाम्पल्स साथ साथ चलती चली जाएंगी। यार एक बात देखो, मैंने यहाँ पे दो चीजें ऐड करनी है आपके टेक्स्ट बुक से हटके थोड़ा, आपको हाइब्रिडाइजेशन और डायपोल मोमेंट साथ साथ यहीं पर लिखवा देता हूं,
वैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन डाइपोल मोमेंट की सेपरेट वीडियोस बनानी है, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको पता चलता चला जाएगा कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट्स नहीं होते हैं। सबसे पहली टाइप है ए बी टू। इसमें जो ए है वो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है जिसके साथ सराउंडिंग में दो बी लगे हुए, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिख रहे हैं? आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिख रहे होंगे, ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ टू, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर केस में आपको जैसा कि दिख रहा है ज्योमेट्री लीनियर होगी, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट लीनियर ही है, बॉन्ड पेयर्स है दोनों। ये अरेंजमेंट तब बदलती है जब लोन पेयर आकर के तमाश भी नहीं करता है, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये शेप भी लीनियर है, एंगल ऑफ कोर्स ये 180 डिग्री का, जैसा कि आप देख रहे हो। ऐसे केस में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन एसपी है और ये एक रेगुलर ज्योमेट्री कंसिडर की जाती है, लीनियर ज्योमेट्री। तो आज ही के साथ लिख देता हूँ रेगुलर ज्योमेट्री, और जब भी रेगुलर ज्योमेट्री हो तो याद रखिएगा डायपोल मोमेंट जीरो होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड। आपको पता है बेरिलियम क्लोराइड को कोवेलेंट में इंक्लूड कर लेते होते हैं, रीजन जानते हो क्यों कोवेलेंट में इंक्लूड करते हैं? बेरिलियम अपनी हाई चार्ज डेंसिटी की बेस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफ़ी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से शेयरिंग करेक्टर की वजह से इसको कोवेलेंट में इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। इसका डायपोल मोमेंट मैंने जीरो लिख दिया। इस तरह देखो हाइड्रोजन साइनाइड का मैं पहले ही बता चुका हूँ, मल्टीपल बॉन्डिंग के आने से भी बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि हाइड्रोजन साइनाइड आप 180 डिग्री देख रहे हो। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी डायपोल मोमेंट मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, बॉन्ड एंगल को 180 डिग्री बता आपके सामने जो है वो शो कर दूंगा। तो ये तो ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल। सवाल क्या आएगा? बेरिलियम क्लोराइड बिलोंग्स टू बेरिलियम क्लोराइड, कैटेगराइज इनटू बेरिलियम क्लोराइड का डायपोल मोमेंट, बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दिस टेबल। मॉलिक्यूल की शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिल्कुल एक जैसी है, लीनियर। ये तब होती है जब कोई लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता। तो इफ लोन पेयर इज जीरो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड मॉलिक्यूलर शेप इज सेम। ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रख लीजिएगा। इफ लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ये पॉइंट अब आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल। नाम से जाहिर है बी फॉर बॉन्डिंग पेयर शो कर रहा है। तो टोटल पेयर अगर तीन होंगे तो तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर होंगे। इसके साथ मैंने कोई लोन पेयर नहीं मैंशन किया, लोन पेयर जीरो मैंने लिख दिया। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी क्योंकि लोन पेयर मौजूद नहीं है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये 120 डिग्री का एंगल एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसी तरह भी सर काइंडली आवाज ऐसा कर दीजिएगा, 120 डिग्री है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी आप लोगों को ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट की बेस पर 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि बॉन्ड एंगल हमेशा तब चेंज होते हैं जब लोन पेयर्स की अरेंजमेंट आती है। तो बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम शो करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। हाँ, जहां पे ये मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है वहां पे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन या जनरल जो हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है वो sp2 होती है। इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्योंकि ये भी बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर आती है। तो ये BF3 और AlCl3 वगैरह एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दी। ये था AB3 टाइप। अब इसके अंदर एक कैटेगरी आती है AB3 में। अब हम एक बॉन्ड पेयर हटा करके इसकी जगह पे लोन पेयर लगा सकते हैं, तो वो भी अब आपके सामने शो हो रहा है। बेटा इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, AB2E1 भी लिखा जाता है, बाजा ई फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ठीक है। टोटल तीन इसके अंदर पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक लोन पेयर होगा। देखिए आपके सामने SnCl2 की बात करो, ये एंगल आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरे का पूरा, लेकिन ये कौन सा है? ये लोन पेयर है हमारे पास। बाकी ये दो बॉन्ड पेयर्स आ गए हमारे पास, इस पे कोई इतना इश्यू तो नहीं आया आपके पास। अब अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही बन रही है। कैसे? ये देखो, लोन पेयर को भी शामिल करूं और बॉन्डेड एटम को भी शामिल करूं तो ये बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर के साथ एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का, जैसे कि हम पीछे पढ़ के हैं, लेकिन नहीं होगा। क्यों? लोन पेयर आया, लोन पेयर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा रिपल्शन लगाएगा। फिर वही बात आ गई, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। जब लोन पेयर आएगा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, जैसे ये रिपल्शन लगेगी
तो ये एंगल 120 डिग्री से कम होकर जस्ट कितना रह जाएगा, 95 डिग्री। तो SNCL2 का एंगल है 95 डिग्री जो आपको मैंने बताया, और ये बिलोंग करता है AB2L1 टाइप से। ये रहा लोन पेयर एक, और ये रहे दो बॉन्ड पेयर्स आपके सामने। सिमिलरली इसी तरह आप लोगों के सामने जब मैं मॉलिक्यूल की शेप देखूंगा तो वो बेंट एंगुलर होगी, जैसा कि मैंने बोला। अब आप सिर्फ और सिर्फ इन बॉन्डेड एटम्स की बेस पर देखो कि क्या बन रही है अरेंजमेंट। ये देखो, तो बॉन्डेड एटम्स की बेस पर जो मॉलिक्यूल की शेप बन रही है वो वी शेप्ड या बेंट बन रही है। तो यही मैं बात आपको बार बार बता रहा था कि लोन पेयर के आने से अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम नहीं रहती। तो क्या सीखा, इफ लोन पेयर इज जीरो देन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड ऑर्बिटल ज्योमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन्स द सेम। बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर ने रिपल्शन लगानी है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी sp2 होगी। इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये एक शॉर्टकट याद रखिएगा, जब भी ज्योमेट्री इररेगुलर हो जाती है लोन पेयर की वजह से वहां पे हमेशा डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। बाकी एग्जांपल में SNCl2 आ गया, SO2 भी आप सीख लो। ये पड़ा हुआ इसका लोन पेयर, जिसकी वजह से इसका ये जो थीटा एंगल है ये लेस देन 120 डिग्री होगा, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट कि ये 100 डिग्री के करीब जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आप लोगों के सामने AB3 एक ऐसी टाइप डिस्कस करवाई जिसमें एक लोन पेयर था, तो ये कहलाई AB2L1 टाइप। इसके बाद हम चल रहे हैं मेन टाइप जो AB4 है, इसके हवाले से जो पेपर में क्वेश्चन अपने, इसकी तीन टाइप्स है, विदाउट लोन पेयर, विद वन लोन पेयर, विद टू लोन पेयर, यहाँ तक आपके सिलेबस में। इसके बाद AB5 और AB6 भी है, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जाकर के, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब आपको मेन चीजें पता चल गई हैं, डिटेल अब आपके साथ ज्यादा शेयर ना भी करूं तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। AB4 का मतलब टोटल चार, बॉन्ड पेयर चार, लोन पेयर जीरो, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल सेम, एंगल 109, हाइब्रिडाइजेशन sp3, डायपोल मोमेंट जीरो, एग्जांपल में मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फेट। इन सब में जो अरेंजमेंट है माई डियर स्टूडेंट्स, ये टेट्राहेड्रल है। लोन पेयर आएगा तो गड़बड़ कहेगा आपके कि सर ये नेगेटिव चार्ज भी तो है, बट अगर ये सेंट्रल एटम पर होता ना नेगेटिव चार्ज तो फिर मैं इसको लोन पेयर कंसिडर करता। याद रख लीजिएगा, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ अगर सराउंडिंग एटम पर है तो बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सेंट्रल एटम पर होता तो इफेक्ट डालता। ठीक है बेटा, अब इसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखो L1 आ गया, एक लोन पेयर आ गया, अरेंजमेंट अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी जैसा कि अमोनिया का केस मैंने बताया था, लेकिन ज्योमेट्री पायरामिडल हो जाएगी, प्रिज्म शेप्ड हो जाएगी। ठीक है, इसको ट्राइगोनल पायरामिडल भी कहते हैं, प्रिज्म शेप भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके दो नाम है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रखने, पायरामिडल बोल दिया है, प्रिज्म शेप बोल दिया। ठीक है जी बेटा, इसको ट्राइगोनल पायरामिडल का नाम भी देते हैं। इसका एंगल लेस देन 109.5 डिग्री होगा क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका भी बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट टेबल के अंदर डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो क्योंकि लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब देखो ये इसके मॉलिक्यूल की शेप है पायरामिडल, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, दोनों चीजें यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही हैं। ये एंगल 107.5 डिग्री अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक है, तो अगर मैं टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू लिखूं, इसकी वजह क्या है कि जब लोन पेयर आता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, रिपल्जन लगाता है, बॉन्ड एंगल स्क्वीज कर देता है। आइए जरा साथ में वो भी बता दूं कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स को फ्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे तो 107.5 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे NF3 में एंगल 102 डिग्री की लगे, हाँ तो ये भी सुन लो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग में लगाने से क्या होगा कि ये लोन पेयर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्प्रेड करेगा। कैसे, मतलब ये जो फ्लोरीन एटम्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो लोन पेयर वाला उसको नीचे अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन एटम्स, ये देखो पहले ये क्लाउड जस्ट इतना स्प्रेड था, फ्लोरीन एटम्स के अटैच होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉड की जो है वो एक्सपेंशन जरा ज्यादा होगी, ज्यादा डिफ्यूज हो गया फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये डिफ्यूज ज्यादा हुआ तो इसने आकर के अल्टीमेटली बॉन्ड पेयर्स पर रिपल्जन लगानी है, जैसी बॉन्ड पेयर पर रिपल्जन लगेगी 107 से एंगल फर्दर कम होकर 102 हो जाएगा। तो फिर क्या याद रख लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सराउंडिंग एटम की बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप ध्यान में रखिएगा। ये था एक लोन पेयर की एग्जाम्पल, ये आगे आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक में जाके आपको दोबारा से बता दूंगा इसको, डायपोल मोमेंट की अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब देखो अगर दो लोन पेयर इंक्लूड हो जाए, टोटल चार है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर,
अरेंजमेंट अभी भी टेट्राहेड्रल होगी। आप कहेंगे सर टेट्राहेड्रल बना करके दिखाएं, तो कैसे अरेंजमेंट है, मैं अभी आपको बना देता हूं। ये देखो, ये आप लोगों के पास अभी भी अरेंजमेंट अगर देखी जाए तो टेट्राहेड्रल है। मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ ताकि जो आपको ईजी वे में समझ आए। ये ऑक्सीजन एटम, ये देखिएगा, ये मैंने लोन पेयर्स बनाए, आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अभी भी बन रही है। ठीक है, अब इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को आप लोगों ने याद इस तरह से रखना है। ये देखो, इस तरह से देखो और बेहतर उदाहरण में, ये देखो, ये हमारे पास है ओवरऑल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। लेकिन जब आप बॉन्ड पेयर्स की बेस पर मॉलिक्यूल की शेप देखोगे तो जस्ट आप लोगों ने ये देखनी होगी जो कि वी शेप या बेंट बनती है। तो वी शेप, बेंट या एंगुलर, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप इस वक्त आप लोगों को नजर आ रही है। एंगल फर्दर लेस देन 109.5 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहां पे दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, वो बात की बात है। डायपोल मोमेंट ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि लोन पेयर्स की वजह से डायपोल मोमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है, इररेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। अब देखें कि दो लोन पेयर्स ने और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके और ज्यादा रिपल्जन लगा के ये एंगल 109.5 डिग्री के जो पड़ा हुआ था AB4 टाइप का, वो कम होकर 104.5 डिग्री है। और कम किया जा सकता है कैसे, देखो, ऑक्सीजन अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं सल्फर के साथ, ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। सल्फर और ऑक्सीजन में किस चीज का फर्क है, साइज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बाउंड करके रखेगी, लेकिन सल्फर के साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। अब जब जैसे लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर होंगे, न्यूक्लियस का होल्ड उन पर कम हो जाएगा, समझ रहे बात को। पहले ऑक्सीजन थी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज की, लोन पेयर पर अट्रैक्शन, तो लोन पेयर को ज्यादा फैलने का या डिफ्यूज होने का मौका नहीं मिला। जस्ट आप लोगों की तरह, जिस तरह घर में अम्मी और अब्बू दोनों मौजूद हो, आप दरमियान में मौजूद हो, आप ज्यादा नहीं फैल सकते। जैसे ही आपको पता है दोनों में से कोई भी एक साइड पे हटेगा तो आप लोगों को फैलने का मौका मिल जाएगा। ज्यादातर अब्बू के जाने के बाद आप लोगों के फैलने की गुंजाइश ज्यादा, और अगर अम्मी भी ना हो और आप घर में अकेले हो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर लार्ज साइज का एटम सेंट्रल होगा, लोन पेयर और न्यूक्लियस से दूर होकर के और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिसके रिजल्ट में और ज्यादा रिपल्जन लगेगी, जितनी रिपल्जन लगेगी उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो राउंड ऑफ कर दूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड का 92 डिग्री जो एंगल है, याद रख लीजिएगा, इसकी वजह बन रही है सल्फर एटम का साइज बड़ा होना। तो फिर क्या लिखें, साइज ऑफ सेंट्रल एटम के बढ़ने से भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की है, स्टोरी को अपने दिलो दिमाग और जहन में अच्छे से रखिएगा बिठा के। ये ओवरऑल एक सिंपल सा टेबल जो आपकी बुक में पड़ा हुआ था उसके हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने अब आपको पीछे टिपिकल सा टेबल भी एक बता दिया, मैंने आपको मल्टीपल बॉन्डिंग का इफेक्ट भी बता दिया। और अब एट द एंड मैं आप लोगों को एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो MCQs में पूछे जाते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिपल्जन किसमें होगी और मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन किसमें होगी, ये दो बातें याद रख लीजिएगा। याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम रिपल्जन ढूंढना बड़ा आसान है, जिसमें मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा ना, याद रख लीजिएगा, उसकी मैक्सिमम रिपल्जन होगी। मैं एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आप देखो, पेपर में आप लोगों को ये आइसोस्ट्रक्चरल का टॉपिक आएगा, इनमें से कौन आइसोस्ट्रक्चरल है कौन नहीं है, ये देखिए आपके सामने सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। बुक वाली भी एग्जांपल्स तैयार करें, अपनी वाली भी एग्जांपल देखो। PH3 और BF3 कभी भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता, क्यों? फॉस्फोरस पांचवें ग्रुप का मेंबर है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। इस तरह के बेटे पेपर में क्वेश्चन आने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, H2S रखता हूँ, H2O रखता हूँ, NH3 रखता हूँ और CH4 रखता हूँ। ये चार ऑप्शन है, मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमम रिपल्जन किसमें होगी। मैंने ट्रिक बताई है, मिनिमम बॉन्ड एंगल ढूंढो। आप कहेंगे सर बॉन्ड एंगल मुझे आते हैं 92 डिग्री, 104 डिग्री, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 107 और 109।
आप कहेंगे सर मुझे जो मिनिमम लग रहा है ना एंगल वो H2S का लग रहा है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम रिपल्जन का मतलब है मिनिमम बॉन्ड एंगल। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब प्रॉब्लम आएगी दूसरे क्वेश्चन पे, बच्चा कंफ्यूज कर देगा मैक्सिमम रिपल्जन और मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन में। टाइप ऑफ रिपल्जन का क्या मतलब है, लोन पेयर भी हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो, बॉन्ड पेयर भी हो, तीनों टाइप्स की रिपल्जन पड़ी हुई है। अब आपको पता है तीनों टाइप्स की रिपल्जन हो सकती हैं लोन पेयर जिनमें दो मौजूद हो, क्योंकि लोन पेयर वाली एक्स्ट्रा भी आ जाएगी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी सिलेक्ट करना है और वाटर भी सिलेक्ट करना है, इन दोनों में मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन यानी कि तीन टाइप्स मौजूद है। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो एग्जिस्ट करती है लेकिन एक मिसिंग होगी लोन पेयर और लोन पेयर की, क्योंकि लोन पेयर दो नहीं है, लोन पेयर सिर्फ एक है। और मीथेन में जस्ट एक बॉन्ड पेयर रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी। तो ये थी एक थ्योरी आपको बताई मैक्सिमम रिपल्जन और मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन के हवाले से। पेपर में आइसो स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन आ सकता है कि आइसो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ NH2 नेगेटिव एंड H2O, ये आइसो स्ट्रक्चरल आप मेरे सारे सानों को भी पता चलेगा, अभी दस दो दो बॉन्डेड एटम्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नजर आ रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, बिल्कुल साथ में नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर भी होगा। ये नेगेटिव चार्ज तो जाने वाले हाइड्रोजन की वजह से आया, हाइड्रोजन दो है, ये दो लोन पेयर मौजूद है। जनरली ज्यादातर तफा क्या होता है, याद रख लीजिएगा अगर अटोमिक रेशियो सेम है, सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम 1:2 है, सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम 1:2 है, तो आप लोगों ने याद रख लेना अगर अटोमिक रेशियो हो तो वो आइसो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म वो सॉलिड्स के अंदर भी सिखाया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, बाकी आप लोगों के जो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अंदर डिफिकल्टीज आए या टेस्ट के अंदर जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको फर्दर डिस्कशन में बता दूंगा। और ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं जो हम टेस्ट डिस्कशन के टाइम बताते हैं, कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हम लेक्चर्स के दौरान बताते हैं। तो उम्मीद है आज मैंने ये जो आपको वेस्पर सिखाई है ये आपको समझ आई होगी, मज़ा भी आया होगा, आइडिया भी होगा कि वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का पेपर में किस तरह से सवाल आता है और इसको आप लोगों ने कैसे तैयार करना है। तो इस स्टोरी के साथ मेरी तरफ से खुदा हाफिज, और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर अब मैं दूंगा VBT के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो काइंडली वॉच कीजिएगा वो नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।